नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दम घुटने से अंकिता की मौत की बात कही गई है। चार डॉक्टरों के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पहले अंकिता को मारा पीटा गया, जब वो बेहोश हो गई तो उसे पानी में फेंका गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अंकिता हत्याकांड मामले में। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले अंकिता को मारा पीटा गया, जब वो बेहोश हो गई तो उसे पानी में फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज होगा अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चार डॉक्टर के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। डूबने दम घुटने से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आज अंतिम विदाई अंकिता को दी जाएगी। कल शव बरामद हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे ऋषिकेश एम्स भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ड्राफ्ट के मुताबिक अंकिता की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और डूबने की वजह से हुई। अंकिता भंडारी की मौत कैसे हुई? मौत से पहले बीजेपी नेता के बेटे ने उसके साथ क्या क्या किया? पावर के नशे में 19 साल की लड़की से हुई दरिंदगी का पर्दाफाश हो चुका है। ऋषिकेश एम्स ने अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंकिता की मौत दम घुटने और डूबने से हुई। अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चोट की वजह से अंकिता बेहोश हो गई, पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गुस्से की यह आग उस साजिश के खिलाफ है, जिसने एक 19 साल की लड़की की जान ले ली। ये कार्रवाई उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ है, जिसने बड़ी बेरहमी से अंकिता भंडारी का कत्ल कर दिया। यह आक्रोश उन लोगों का है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं, अंकिता के कातिलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंकिता की हत्या की वजह को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, महिलाओं के लिए डराने वाला है। उत्तराखंड की एक ताकतवर नेता के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता पर वो सब करने का दबाव डाला जो उसकी जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की इसी जिद ने उसकी जान ले ली। ये केस 22 तारीख को थाना पुलिस को सौंपा गया था और हमने एक दिन के अंदर ही केस को वर्कआउट कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़की को इस नहर में, गंगा नहर जो चेला के पास से जाती है ऋषिकेश। इस बीच आज तक को अंकिता का एक ऑडियो भी मिला है, जिसमें रिजॉर्ट के रसोइये से बात करते हुए वो काफी डरी दिख रही हैं। मैं करण बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? वो पले जा दो दुकानदार। चल चलो बड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चलो। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। अठारह सितंबर को पुलकित अंकिता का झगड़ा हुआ, फिर पुलकित ने ऋषिकेश का प्लान बनाया। अंकिता, पुलकित, अंकित, सौरभ ऋषिकेश पहुंचे। वापसी में बैराज होते हुए ऋषिकेश एम्स के पास पहुंचे। बैराज के पास रुककर तीनों शराब पीने लगे। वहां पुलकित और अंकिता में झगड़ा होने लगा। पुलकित ने अंकिता पर बदनाम करने का आरोप लगाया। पुलकित ने अंकिता का फोन नहर में फेंक दिया। फिर अंकिता, पुलकित में हाथापाई होने लगी। गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। धक्के से अंकिता पहाड़ी से नहर में गिर गई। गुस्से हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। हालांकि आनन फानन में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच SIT को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक। अंकिता भंडारी की मौत से पहले का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए रिजॉर्ट के शेफ से बात कर रही थी। मैं करण बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? वो पहले जा दो दुकानदार। चल चलो बड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल। अरे चलना,
आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। मैं पवन बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मैं बैग ऊपर ले जा दो दुकान पर। चल चलो बड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चलो। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, आज अंकिता का अंतिम संस्कार होना है, बताया जा रहा है कि भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड में गुस्से और आक्रोश का माहौल दिख रहा है। जी बिल्कुल मिल्का, गुस्से और आक्रोश का माहौल दिख रहा है। एक तरफ रसूखदार कातिल है पुलकित आर्या और उसके दो सहयोगी जो लगातार गुमराह कर रहे थे पुलिस को और परिवार वालों को। इन सबके बीच कल पोस्टमार्टम हुआ था जहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा था पुलिस कर्मियों को, लोगों का गुस्सा फूटा था। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद डेड बॉडी को जो अंकिता का घर है वहां पर ले जाया गया, आज अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सामने आ चुकी है, आज तक के पास उसकी कॉपी है जिसमें ये बताया गया है कि चोट के निशान है शरीर पर कई जगह, उसके अलावा डूबने से मौत हुई है। जैसा कि पुलकित आर्या और बाकी दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे मामले पर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी, नहर में धक्का दे दिया था तीनों आरोपियों ने और ये सोचा था कि डेड बॉडी तो मिलेगी ही नहीं और वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। वहीं अगर इसको बात करें तो इसको लेकर अंकिता के हत्याकांड को लेकर अब उत्तराखंड में एक तरह से सियासत भी शुरू हो गई है, लेटर का जो दौर जारी है। वहीं जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने कहा है कि वो सख्त एक्शन लेंगे, एसआईटी बना दी गई है इस पूरे मामले पर, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरीके से रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम हो रहा था उसको लेकर और खास तौर पर जिस तरह से अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जबरन प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में भेजना दाखिल करना चाहते थे जो खासतौर पर रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, तो इन तमाम चीजों को लेकर एसआईटी जांच करेगी। आज अंकिता का जो अंतिम संस्कार है वो उसके घर पर भी होगा। मलका, अरविंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, 3 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं, क्या घटनाक्रम को लेकर पूरा सच सामने आ पाया है? एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए पूरा घटनाक्रम तो अभी तक सामने नहीं आ पाया। देखिए जिस तरीके से लगातार जो अंकिता का परिवार है वो भी इस बात की आशंका जता रहा है कि जो पुलकित आर्या जिसके पिता बीजेपी में थे, भाई अल्पसंख्यक आयोग में था, हालांकि दोनों को बीजेपी ने निकाल दिया है कल जब पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है अंकिता के परिवार को कि चूंकि रसूख है इस वजह से जांच में कोई ढीलम ढाल न हो, इस वजह से लगातार तमाम अधिकारियों से और उत्तराखंड के सीएम से अपील की गई जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। आज जो डीआईजी एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी की टीम आज रिजॉर्ट से लेकर चीला जो बैराज है जहां पर डेड बॉडी मिली थी वहां तक क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो भारी चीज से वार किया गया है, चोट पर कई जख्मों शरीर पर कई जख्मों के निशान है, उसके अलावा चूंकि नहर में धक्का दिया गया था, नहर में डूबने से मौत हुई थी, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन देखिए काफी दर्दनाक है, एक लड़की जो कमाने के लिए आती है और जो व्हाट्सएप जो चैट है वो अपने दोस्त से बोलती है कि आखिरी चैट सामने आई है, आखिरी कॉल, ये अहम सबूत माने जा रहे हैं। अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा, जो रिजॉर्ट का शेफ था जिससे रोते हुए बात की अंकिता ने, वो ऑडियो हमारे पास है, वो आपको सुनाते हैं, और उसके अलावा अरविंद ने बात की उस शेफ से, वो बातचीत भी सुनिए। हमारे साथ रिजॉर्ट में काम करने वाले शेफ मौजूद हैं। शेफ, कितने बजे 18 तारीख को आपने आखिरी बार अंकिता को देखा था? लगभग 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने उसको, क्योंकि मैं उसके बाद मैं 2 बजे किचन क्लोज कर देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, तो उस समय मैं नीचे घूम रहा था, तो मैडम खाना खोना खाई होगी, तो उसी समय मैंने उसको देखा एक झलक, और उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। क्या बैग मंगवाया था, क्या कॉल आई थी, क्या आया? उसकी कॉल आई है किसी 2 लड़कों को जो मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला, वो बाहर गए थे घूमने शाम को 6 बजे के बाद, तो गेस्ट तो थे नहीं हमारे पास, तो इन्होंने कहा बाहर चले जाता, और मैं अब मेरी गाड़ी 3-4 दिन से पंचर ही हो रही थी, उसका ऐसे जगह पंचर था तो बार बार हवा निकल जा रही। क्या कॉल आया था उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ, रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ,
और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओ के, बस इतने ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है तो हमें वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया, किसी उन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है उनको बताया, उनको बताइए, उनको ये बताया कि जाओ जरा मैम, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। तो ये पुलकित आर्य का जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, वैसे उसका अंकित गुप्ता नाम ने, उसका दूसरा नाम भी है पुलकित गुप्ता है उसका नाम, पुलकित गुप्ता है उसका नाम। तो उसने उसको अंदर नहीं आने दिया, किसको, एक शिप इलेक्ट्रिशियन है वो अभी जा रखे, अभी है यहाँ पे नहीं है वो, तो उनको बताया था तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने ये बोला था कि मैं मैडम से अटेंशन लगाता हूँ, वो लगा दो, उसने नहीं जाने दिया, उसने पता नहीं किसी वजह से रोक दिया। तो उसके बाद जब चार लोग निकले थे, अंकिता, पुलकित और बाकी दो और लोग, तो वापस कितने लोग आए थे? चार लोग तो मुझे नहीं पता है, चार लोग निकले, स्टाफ कह रहा है कि चार लोग निकले बाहर, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में भी आ चुके हैं, और सीसीटीवी कैमरे में ये आया कि 9:04 पे उन्होंने रिजोर्ट के लिए एंट्री मारी है, रिजोर्ट आने के लिए। अच्छा। यहाँ से ऋषिकेश आए थे वो, ऋषिकेश से ये बैरल पे, बैरल के कैमरे से पता चला है, तो यहाँ से ऋषिकेश आने के लिए तो 10:45 के करीब वहाँ पहुंचे वो लोग। अच्छा। पौने खाने वाला क्या हिसाब किताब था जो खाने का बोला आपसे? खाना मंगवाया अंकिता का, खाना अंकित ने मंगवाया, अंकिता का खाना अंकित ने लेके गया रूम में, और जो उनके थे मालिक लोगों के, उसके अंकित वगैरह और सौरभ जी के, उनका खाना वो लेके गए, जो हमारा सर्विस वाला बैटर है। रिजोर्ट में और कुछ क्या चलता था? रिजोर्ट में हायर गैर कानूनी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं किसी के बारे में झूठी नहीं दे सकता। मनवीर सिंह चौहान मेरा नाम है। हाँ जी, जिन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि उस दिन अंकिता रोते रोते स्टाफ को कहा रिजोर्ट के कि मेरा बैग ले आओ और सड़क पर लेकर रख दो, इससे एक बात तो साफ है कि अंकिता उस दिन काफी ज्यादा परेशान थी। अंकिता हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अंकिता के लिए इंसाफ की जंग भी तेज होती जा रही है। इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सियासी खबरों की। आज सियासी सुपर संडे भी है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, नए सीएम का ऐलान हो सकता है, दिल्ली में सोनिया गांधी से नीतीश लालू की मुलाकात होगी और फतेहाबाद में विपक्षी दल अपना दम दिखाएंगे। जयपुर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, सोनिया गांधी से नीतीश और लालू की मुलाकात, 2024 चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर ये बड़ी पहल, फतेहाबाद में विपक्ष अपना दम दिखाएगा। आज राजस्थान को नया सीएम मिल सकता है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है। इसी बैठक में नए नेता का ऐलान हो सकता है। अशोक गहलोत क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे इसलिए सीएम पद छोड़ सकते हैं। शाम 7 बजे नए सीएम का ऐलान हो सकता है। कौन बनेगा राजस्थान का नया सीएम? सचिन की ताजपोशी या नए नाम पर मुहर? राजस्थान में आज फैसले की घड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ राजस्थान के सीएम की कुर्सी भी संभालने की इच्छा रखने वाले अशोक गहलोत की नहीं चली और अब आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। आज शाम 7 बजे जयपुर में राजस्थान विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नाम पर मुहर लगेगी। जयपुर में आज सीएम गहलोत के घर पर यह बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट सीएम पोस्ट के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। सचिन पायलट बीते 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। शनिवार को भी वो विधानसभा में कई कांग्रेस विधायकों से मिले। इरादा एक ही है, आलाकमान पर इस बात का दबाव बनाना कि विधायक उनके हक में हैं। हालांकि विधायकों की असली राय आज की बैठक में सामने आएगी, लेकिन हवा का रुख बदल रहा है। गहलोत के कट्टर समर्थक रहे बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा अब सचिन पायलट का नाम जप रहे हैं। राजस्थान के अंदर उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री बनना ही है, तो नया मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा आदमी
राजस्थान में इनसे बढ़िया कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। और फिर ये पायलट साहब जब आए हैं, आने के बाद जो बारिश का शगुन हुआ हमारे राजस्थान में, इसको अच्छा शगुन मानते हैं। माना यह जा रहा है कि गहलोत अब भी सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देने के इच्छुक नहीं है। उधर बीजेपी इस सियासी बदलाव और खींचतान को लेकर कांग्रेस पर तंज कर रही है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण लोक कल्याण के कामों के बजाय, जब कुर्सियां बचाने बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा कौन नहीं रहेगा इसके ऊपर चला केंद्रित हो गया, उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राही माम कर रही है। राजस्थान में ये बड़े बदलाव का दौर है। राजस्थान में कमान बदलने से ये भी साफ होगा कि अगले साल का चुनावी मुकाबला कैसा होगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक। की बैठक में आखिरी मंथन होना है, जयपुर में नए चेहरे पर मंथन होगा। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, शरद से ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। शरद, आज अहम दिन, जयपुर में नए चेहरे पर मंथन होगा, कौन कौन रेस में? बिल्कुल मल्लिका, राजस्थान के लिहाज से ये बड़ा दिन है। मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से एक तरफ का रास्ता है मुख्यमंत्री निवास में जाता है, जहां पर पुलिस बैरिकेटिंग कर दी गई है, मीडिया के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, और यह दूसरा रास्ता है सचिन पायलट के घर पे जाता है। इसी रास्ते से तय होना है कि किसके हाथ में राजस्थान की सत्ता होगी। आज शाम 7 बजे आ रहे हैं, लेकिन देखिए नेचुरल च्वाइस के लेकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट एक नेचुरल च्वाइस है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कई दिनों से घेराबंदी कर रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो विधायकों की राय जाने, लेकिन जो हमारे सोर से वो बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को टास्क दे दिया गया है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था, आपको याद होगा क्वेश्चन में, कि हमें क्या करना है, हमने फैसला कर लिया है। तो यहां से विधायकों से राय भले ही जानी जाएगी, मगर एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हम सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ते हैं और फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। ये जितनी तेजी से घटनाक्रम हुआ है, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 5-6 दिनों में कई बार स्टेटमेंट बदले हैं। पहले कहा था दोनों पद रखेंगे, फिर राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा कि दोनों पद साथ नहीं रख सकते, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था रखेंगे, फिर कल जैसे ही शाम को सुबहगाहट शुरू हुई, मंत्री कहने लगे कि नहीं, दोनों पद पर रहेंगे, हम राहुल गांधी के पास जाएंगे, हमारा कमान के पास जाएंगे। इससे पहले कि हंगामा मचता, इस बार कांग्रेस ने काफी स्विफ्ट एक्शन लिया है और वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलोर में थे, सोनिया गांधी ने फोन करके राजस्थान पहुंचने के लिए कहा, ऑब्जर्वर बनकर अजय माकन प्रभारी उन्हें भेजा गया, और यहां पर विधायकों से राय जानी जाएगी, मगर चूंकि ये चुनावी साल है इसलिए विधायकों का राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बार फैसला जो है कांग्रेस आलाकमान को लेना है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। बहुत सारे नाम फ्लोट किए जा रहे हैं, सीपी जोशी का भी, बीडी कल्ला का भी, शांति धारीवाल का भी, गोविंद सिंह डोटासरा का भी, लेकिन इन नेताओं के अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है, देखिए सचिन पायलट एक नेचुरल च्वाइस है, मगर फिर भी लोग कांग्रेस को लेकर आशंकित रहते हैं। इस पार्टी का इतिहास रहा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, इसलिए कुछ रणजीत सिंह चन्नी टाइप भी नाम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पत्ता कब खोलेंगे। 11:30 बजे यहां से निकल रहे हैं और तनोट माता का दर्शन करने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे हैं, 4:30 बजे वहां से लौटेंगे बीएसएफ के साथ खाना खाने के बाद, उसके बाद 7 बजे यहां पर गहमागहमी शुरू होगी। इस बीच दोनों ही तरफ के विधायक और मंत्री एक दूसरे से अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैंडिडेट कौन होगा इसको लेकर भारी सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। मल्लिका, यानी कि राजस्थान में गहलोत राज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शरद, एक बड़ा सवाल ये शरद कि क्या आखिरी फैसला दिल्ली से होगा या वाकई विधायकों की राय इसमें शुमार होगी? देखिए विधायकों की राय जानने की पुरानी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी विधायकों की राय से बने थे, और इस बार बने तब भी विधायकों की राय से बने हैं, इसलिए विधायकों की राय जानी जाएगी। और ऐसे में विधायकों का राय तो महत्वपूर्ण है ही, मगर नेचुरल च्वाइस, देखिए अगर विधायकों से आप बातचीत करें तो वो भले ही चूंकि मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इसलिए ना कहें, मगर एक सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी विधानसभा में जाकर वोट मांग सकते हैं, एक पैन राजस्थान उनका एक आधार है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो नेचुरल च्वाइस है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से चाले चली हैं और वैसे में काफी संशय की स्थिति बना हुआ है कि किसको लेकर वो आएंगे। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चाह रहे थे कि हम दोनों पद साथ रखें, राजस्थान की राजनीति में अब शायद वो
एक्टिव नहीं रहे दिल्ली बुलाया जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे भी जल्दी से जल्दी पर्यवेक्षकों को भेजकर फैसला कराने का मकसद माना जा रहा है, ताकि यहां से इनको हटा के दिल्ली भेजा जाए और राष्ट्रीय राजनीति पर वो केंद्रित करें। अब नीतीश कुमार भी आ रहा है वहां से मिलने के लिए, कहा जा रहा है लालू यादव भी मिलना चाहते हैं सोनिया से। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मिलेगा वहां पर एक्टिव रहेगा तो काम होगा, क्योंकि पूरा राज्य देश संभालना है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोह जो है राजस्थान से छूट नहीं रहा है और कांग्रेस इसे जल्दी से जल्दी छुड़ाना चाहती है, इसीलिए पर्यवेक्षकों को समय से पहले भेजा गया है। और 27 और 28 कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नॉमिनेशन भर देंगे, उसके बाद वो दिल्ली रहेंगे। जी शुक्रिया शरद जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो जयपुर में नए चेहरे पर मंथन, लेकिन इधर हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने वाला है। ओपी चौटाला की पार्टी ने मेगा रैली का आयोजन किया है, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सरीखे नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अशोक सिंघल हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक का और क्या ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, 2024 से पहले जो नीतीश कुमार ने एक कोशिश की थी कि सब तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आए और मोदी को चैलेंज दे, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद जब आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और सरकार वहां बनाई बिहार में, तो वो एक लगातार ये बात कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को 2024 से पहले इकट्ठा आना पड़ेगा, ताकि 24 में वो बीजेपी और मोदी को चैलेंज कर सके। और चौटाला ने, क्योंकि देवीलाल का जन्मदिन है, जन्म दिवस के मौके पर सम्मान दिवस ये मनाया जा रहा है, उसमें उन्होंने पूरे जो देश भर के विपक्ष के नेता हैं उन सबको इनवाइट किया, जिसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, डीएमके से बुलाए गए, तो तमाम लोगों को फतेहाबाद में जो रैली हो रही है उसमें इनवाइट किया गया है। और एक मैसेज देने की कोशिश है कि विपक्ष एकजुट है और 2024 की तैयारी में अभी से जुट गया, क्योंकि नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि तमाम देश भर में घूम घूम करके वो विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को एक साथ ला सके 2024 के चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया, तो देखना होगा आज इस रैली में कौन कौन लोग विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़े चेहरे आते हैं, या उनकी पार्टियों का नुमाइंदगी किसी और नेता की तरफ से की जाती है। क्या ये जो मैसेज देने की कोशिश है 2024 से पहले एकजुट करा पाएंगे नीतीश कुमार, क्या चौटाला उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने भी जो आज रैली बुलाई उसके लिए तमाम नेताओं से मुलाकात की थी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, तो यही एक कोशिश है तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि एकजुटता के साथ 2024 से पहले चुनाव में उतरा जाए और बीजेपी और मोदी को टक्कर दी जाए। बिल्कुल, नीतीश कुमार बार बार कोशिश कर भी रहे हैं, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस पूरी कवायद में ममता बनर्जी नजारद लग रही है। बिल्कुल, ममता बनर्जी की आने की संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि एक हमेशा से कहा जाता है कि बार बार कोशिश की गई, 2019 से पहले भी, उससे पहले भी कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन जितना कोशिश की जाती है उतना विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता है, हमेशा से विफलता या सफलता हाथ मिली है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, हमेशा से ऐसे प्रयास किए गए हैं, तो इस बार भी क्योंकि लोकल कंपल्सन है, अखिलेश यादव भी बार बार कहते रहे, चाहे मायावती के साथ उनका जो गठबंधन हुआ था वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कांग्रेस के साथ भी जो गठबंधन हुआ था वो सक्सेस नहीं हुआ था, तो विपक्ष की जो अपनी लोकल कंपल्सन है उसको देखते हुए बहुत मुश्किल है कि तमाम विपक्ष को एकजुट किया जाए, और लेकिन कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से कि अपने स्वार्थों को भुला करके देश हित में या देश को देखते हुए मोदी तो विपक्ष अपना दम दिखाएगा फतेहाबाद में, ये बड़ी रैली होने वाली है। शुक्रिया अशोक आपका बातचीत के लिए, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया। आतंकवाद की चोट सह रहे भारत ने चीन और पाकिस्तान पर इशारों में चोट की और कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने दुनिया की तरक्की और इसमें भारत के योगदान की चर्चा की और कहा कि भारत दुनिया में शांति का पक्षधर है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर भारत ने दिखाया कि वो शांति और स्थिरता का कितना बड़ा पक्षधर है और कैसे दुनिया की तरक्की में योगदान दे रहा है।
शनिवार की रात यूएन में भारत के संबोधन की बारी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संजीदा तरीके से बताया कि दुनिया को संकटों से निजात दिलाने में भारत क्या योगदान दे रहा है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की भी खबर ली और सीमा पार से आतंकवाद पर चोट की। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. दुनिया में भारत की आवाज और भूमिका की कितनी अहमियत हो गई है, इसका अंदाजा भी यूएन की इस बैठक से लगा, जिसमें रूस ने भी जोर देकर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। Ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете при обязательном одновременном. भारत ने गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर का राग यूएन में आलापा। फिर सुनिए कि कैसे बाढ़ की विभीषिका के बीच भी पाकिस्तान को कश्मीर याद आया। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. यूएन महासभा की 75वीं बैठक में भारत की नीयत और मजबूती साफ दिखी और पाकिस्तान से लेकर चीन तक के इरादों का फिर पर्दाफाश हो गया। और बात बारिश की, दिल्ली एनसीआर में गजब की बारिश हो रही है। दिल्ली का हाल बुरा है, लेकिन सबसे बेहाल है गुरुग्राम। गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, गुरुग्राम में कहीं बीच सड़क गाड़ी फंस गई है तो कहीं लग रहा है जैसे समंदर का मंजर दिख रहा है। राजीव चौक की तस्वीर तो किसी स्विमिंग पूल की तरह हो गई है। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम का 3 दिन की बारिश के बाद क्या हाल है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। नरसिंहपुर खानसा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सड़क पे पानी ही पानी, जल भराव, जल जमाव ने लोगों के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर दी। आवाजाही में लोगों को परेशानी आ रही है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। दिल्ली एनसीआर लगातार हो रही बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। पानी में एक टैक्सी फंसी और जब जान आफत में पड़ी तो देखिए किस तरह से गाड़ी की छत पर बैठकर शख्स ने अपने आप को बचाया। ये गुरुग्राम का रायसेना हिल्स इलाका है। भारी बारिश के बाद प्राकृतिक झरना वहां पर बहने लगा। हालांकि लोग यहां पर लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आप गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी ही पानी। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इससे पहले आपने कम से कम दिल्ली एनसीआर में नहीं देखी होंगी। जिन्हें झरनों को देखने के लिए आप पहाड़ों पर जाते हैं, वैसा ही नजारा अब गुरुग्राम के पास नजर आने लगा है। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद अरावली की रायसेना हिल्स पर कई प्राकृतिक झरने बन गए हैं। हालांकि शहर में तो भारी बारिश से हाहाकार मचा है, लेकिन पास के अरावली पहाड़ियों में अजब गजब नजारे पैदा हो गए हैं। बारिश से मचे हाहाकार के बीच इसे देखने के लिए और इसका लुत्फ उठाने के लिए कई लोग यहां पहुंचने भी लगे हैं। बारिश के बाद एक तस्वीर ये भी देखिए, किस तरह से झरने में लोग नहा रहे हैं। एक तरफ शहर में चारों ओर लबालब पानी है, लोगों की जान अटकी हुई है आफत में, जिंदगी किस तरह से, आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जगह जगह सड़कें टूटती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ ये भी एक तस्वीर, अरावली पहाड़ी पर अद्भुत नजारा, प्राकृतिक झरना वहां पर बहने लगा है जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। झरने में नहाते हुए लोगों की ये तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम का रायसीना हिल्स इलाका है। पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता के पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार ने पुलिस प्रशासन के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। अंकिता के पिता का कहना है कि वनंतरा रिजॉर्ट में सबूत थे, फिर क्यों उसे गिराया गया। उन्होंने केस के फर्स्ट ट्रैक ट्रायल और आरोपियों के लिए फांसी की
मांग की है। पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पिता अंतिम संस्कार के लिए मना कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक का इंतजार। अंकित जी मलिका, अभी 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 क्योंकि वहां पे 9:30 बजे का अंतिम संस्कार रखा गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो समय दिया था, लेकिन क्योंकि मौसम भी खराब है वहां पर तो उसको थोड़ा डिले किया गया। लेकिन इसके बाद अंकिता के जो पिता है वीरेंद्र भंडारी, उन्होंने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों का मुझे जवाब चाहिए कि पहले अंकिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक उसकी डिटेल नहीं आ जाती तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि जो इनिशियल पोस्टमार्टम जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अंकिता के शरीर पर इंजरीज मिली है और ब्लंट फोर्स का मेंशन किया गया है कि अंकिता के साथ मारपीट होने की संभावना है। तो इसके बाद अंकिता के पिता का कहना है कि जब तक ये रिपोर्ट डिटेल में नहीं आ जाती और साक्ष्य सामने नहीं आ जाते तब तक मैं अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। मलिका दूसरे इसमें एक और चीज है, अंकिता के पिता का कहना है कि जो वनंतरा रिजॉर्ट है उसको दहाने में, उसको बुलडोज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी और विपक्ष भी और कई लोग इसमें आरोप भी लगा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में सब जगह इसको लेकर आक्रोश भी है। बिल्कुल अंकित, एक बड़ा सवाल है, हर कोई इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। शुक्रिया आपका अंकित, जानकारी पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। और अब एक और अहम खबर, एजेंसियों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का पटना दौरा पीएफआई के निशाने पर था। ऑपरेशन ऑक्टोपस में पकड़े गए पीएफआई नेता से पूछताछ में सामने आया है कि इसी 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे पर गड़बड़ी की बड़ी साजिश की गई थी, मकसद माहौल बिगाड़ना था। जुलाई 2022, पटना बिहार, यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी, लेकिन पीएफआई उस रोज उनकी सुरक्षा में सेंध की साजिश रच रहा था। अब 2 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ है। केरल में गिरफ्त में आए पीएफआई नेता ने साजिश का बड़ा खुलासा किया है। उसने माना कि पीएम की 12 जुलाई की पटना रैली में गड़बड़ी की साजिश थी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ईडी की जाँच में सामने आया है। दरअसल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे थे। खुलासा ये हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उस रैली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौल खराब करने के लिए बकायदा पीएफआई मेंबर को ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की तैयारी बड़ी थी, रैली में माहौल बिगाड़ना था, इसके लिए बैनर पोस्टर बनाए गए, गड़बड़ी के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी गई। पीएम की रैली में गड़बड़ी करने की साजिश वाली एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। मसलन पीएफआई देश में आतंक फैलाना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आपराधिक साजिश रच रहा है, दंगे भड़काने की साजिश में लगा है, टेरर ग्रुप को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। किस तरह से पीएफआई ने भारत के प्रधानमंत्री की रैली को भी टारगेट करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, किस तरह से उसमें देश के सौहार्द को बिगाड़ा जाए, धार्मिक दंगे भड़काए जाएं और 120 करोड़ रुपया विदेशों में से इसी कारण खातों में आ रहा है। एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाए। ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ये सारा षड्यंत्र पीएफआई की गिरफ्तारी के बाद, लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। ये भी सामने आया है कि इनके निशाने पर अनेक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण और
भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेतागण इनके निशाने पर थे, और कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं और विदेशों से इसमें फंडिंग हो रही है, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का चल रहा है। पीएम मोदी की अक्टूबर 2013 की रैली में भी गड़बड़ी हुई थी। गांधी मैदान में धमाका हुआ था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। नाउ द गवर्नमेंट, वी सोसाइटी, मोर देन गवर्नमेंट दी सोसाइटी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस एंड गवर्नमेंट नीड टू टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट सच पीपल एंड शो देम देयर प्लेस दैट व्हाट दे आर डूइंग इज अनलॉफुल। हाल में बिहार में पीएफआई मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। शहर शहर पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े, कई दस्तावेज मिले, आतंकी ब्लूप्रिंट मिला है। इंडिया 2047 नाम से 7 पन्नों की बुकलेट मिली है। भारत को मुस्लिम देश बनाने का जिक्र मिला है। शहर शहर ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब बिहार पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ट्रेनिंग को आरएसएस शाखा से तुलना कर दी गई, लेकिन विवाद बढ़ने पर एसएसबी को सफाई देनी पड़ी। तिरुवनंतपुरम से शिवमोल केजी, किशनगंज से रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।